नेटफ्लिक्स ने अपनी न्यू रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द नाइट बिफोर क्रिसमस हिंदी और इंग्लिश में रिलीज कर दी है। फिल्म को क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया गया है, तो जिन लोगों को द प्रिंसेस स्विच, द क्रिसमस प्रिंस या आउटलैंडर जैसी मूवी पसंद है, उनको ये मूवी द नाइट बिफोर क्रिसमस काफी पसंद आएगी। मूवी में दिखाया गया है कि कोल, जो कि 14th सेंचुरी की नाइट है, वो टाइम ट्रेवल के थ्रू सीधा 2019 में आ जाते हैं। कोल 2019 में एक क्वेस्ट की खोज करने आए होते हैं जो उन्हें एक सच्चा नाइट बना देगा, और उनके पास ऐसा करने के लिए क्रिसमस ईव तक का टाइम होता है। कोल जब 2019 में आते हैं तो उनके लिए ये एक अलग ही दुनिया होती है, और 2019 में उनका सामना ब्रूक से होता है, जिसका रोल वैनेसा हेजेंस कर रही है, जिनकी 2018 में क्रिसमस के मौके पर ही द प्रिंसेस स्विच आई थी। और ऐसा लग रहा है कि वैनेसा हेजेंस नेटफ्लिक्स की फेयर टेल रोम कॉम मूवीज की फेस बन चुकी है। तो ब्रूक मूवी में एक हाई स्कूल टीचर है जो कोल को अपनी कार से टक्कर मार देती है, और इसकी वजह से ब्रूक को लगता है कि कोल की मेमोरी अब जा चुकी है। इसके अलावा फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कोल 2019 में खुद को एडजस्ट करते हैं, और इन्हीं सब के बीच कोल और ब्रूक को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये एक क्यूट रोम कॉम मूवी है जो कि एक एवरेज मूवी है, और ये मूवी एक वन टाइम वॉच मूवी है। फिल्म का एंड इस तरीके से किया गया है कि इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी बनाया जा सकता है। बाकी ये फिल्म अच्छी है, और अगर आप क्रिसमस मूवी के फैन हैं तो आपको ये फिल्म काफी अच्छी लगेगी। और बात करें अगर फिल्म के रेटिंग की, तो IMDb पर इसे 5.6 स्टार दिया गया है, और हम इस फिल्म को 3.5 स्टार देंगे। इसी तरह वेब सीरीज और मूवीज से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Shazam?